हाँ नमस्ते गाइस, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जाने वाले हैं छोटा सा मल्लिकेश्वर टेम्पल पे, जहाँ बड़ा मल्लिकेश्वर टेम्पल है वहाँ से थोड़ा सा नीचे ही इस अवस्थित है। तो चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं इस ट्रैकिंग को। पहले तो ट्रैकिंग करने के लिए इस बड़ा पत्थर को ऊपर चढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम जहाँ पे हमारा टारगेट है वहाँ पर जा पाएंगे। लेकिन दोनों बच्चे नीचे रह गए हैं, तो अभी वो जल्दी आ जाएंगे, तो इनको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं मेरा फ्रेंड अभी ट्रैकिंग करते हुए कर जा रहे हैं। तो ऐसे ही बड़ा बड़ा पत्थर हैं जहाँ पे चलना बहुत मुश्किल है पूरा शख्स पहन के। तो अब इतना ऊपर आगे पहुँचे हैं जहाँ पे आपको देखने के लिए पूरा नीचे देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग मिल जाएगा, देख सकते हैं। और बच्चे तो नीचे हैं रह गए हैं, तो वो हमको देख देख के आएंगे, बट हम आगे बढ़ते रहे ना ही। तो इस बड़ा पत्थर को फिर से इनको एक राउंड मारना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, वही राउंड कहाँ कहाँ पे जा पाएंगे। तो यहाँ पे जो भालू भाग ऐसे रह जाते हैं, बट आज की संक्रांति है इसी वजह से लोगों का भीड़ देख के इससे भाग गया है, मेरे जब से ऐसा लग रहा है। तो अभी मेरा दोस्त है पूरे जो जितना भी ट्रैकिंग था वो ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम पहुंच जा रहे हैं पूरे टॉप में। और यहाँ पे जो घास देखने के मिल रहे हैं, सूखा घास, ये देखने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसे धूप में। तो धूप भी ज़्यादा बढ़ गया है, और अन्यथा यहाँ पे हमको पूरा डार्कनेस ही देखने के मिल रहे हैं। और जो धूप में भी पेड़ का खूबसूरत भी देखने मिल रहे हैं। और अभी हम फाइनली दोनों आके पहुँचे हैं पूरा टॉप में। तो अभी वो जो बड़ा पत्थर है जहाँ शिवलिंग का एक जो कलर से पेंट किया गया है, तो मैं सोचता हूँ कि एक रास्ता ढूँढूँ जहाँ पे वो सकता है वहाँ पे जा पाऊँगा, बट क्या करे। तो यहाँ पे मैं रास्ता ढूँढने के लिए जा रहा हूँ, क्या है ना यहाँ पे रास्ता देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे रास्ता नहीं है, मैं इसको फ्रेंड को बता दूँ। तो यहाँ पे जो रास्ता नहीं है, बट आप ढूँढिए यहाँ पे कुछ है। तो इनका भी रास्ता नहीं मिल पाया, बट हम यहाँ पे पूरे सर्कुलर में घिरना पड़ेगा, मैंने तो घूमना पड़ेगा। तो मेरा फ्रेंड्स को मिल गया है यहाँ पे रास्ता, तो हम इस रास्ता को फॉलो करते हुए वहाँ तक जाने वाले हैं। तो और यहाँ पे दोनों भाई पीछे रह गए हैं, और हम इस पत्थर को जो मान के जाने वाले हैं। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं पूरे टॉप में, और इस टॉप में पहुँचे हैं जो रास्ता दिख रहे हैं उस रास्ता में देखने के ये बहुत खूबसूरत दिखने मिल जाएगा, बट यहाँ पे देख सकते हैं। और गाइस जो भी था वो एक छोटा सा वीडियो था, बट आपको शेयर करने के लिए चाहता था क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग था। और जो भी है वीडियो में, तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, जहाँ पे जो कैनाल गया है इसी ऊपर जो घाट से निर्मित किया गया है एक ब्रिज, तो यहाँ पे वॉकिंग करना बहुत ही अच्छा है। तो गाइस इस वीडियो में क्या देखने को मिला है, क्या इंटरेस्टिंग था, तो किसके ऊपर डिपेंड करना है या खुद निर्मित करना है कुछ, तो आप इस वीडियो माध्यम से देख के कमेंट सेक्शन में टिक टिक करके बताइए।